ऑनलाइन अर्निंग वर्क फ्रॉम होम एक घंटे से दो घंटे अपने फोन के जरिए इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू वर्क आप यहाँ पे नंबर दिए हुए पे मैसेज कर सकते हो ओनली फॉर इंडिया ठीक है वेलकम बैक टू आर चैनल गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है बिकॉज इसमें फादर ब्रेक्स डाउन इन द टीयर्स सींग ट्रांसजेंडर चाइल्ड एज अ वुमेन एक लड़का लड़की बन चुका है एंड उसके जो फादर हैं उसके वालिद हैं बहुत ज़्यादा मायूस हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कोर्स ये कुदरत के खिलाफ है एंड देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अमेरिकन टीवी शो डॉक्टर फिल अमेरिका के अंदर बेहद मशहूर है इसकी मशहूरी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 2002 से लेकर अब तक इसके 20 सीज़न आ चुके हैं डॉक्टर फिल ख़ुद पेशे के लिहाज से मायरे नफस्यात यानी एक्सपीरियंस साइकैट्रिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से अपने शो के अंदर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि असल में किसी मेंटल हेल्थ यानी दिमागी मसायल का शिकार हो या इसकी वजह से इनकी जिंदगी के अंदर जो भी मुश्किल हैं उनका हल ये अपने स्टाइल के अंदर अवेयरनेस के लिए अपने शो के अंदर बताते हैं ताकि आम आवाम भी इनको समझ सके पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए किस तरह से हम जिन्सप्रस्ती का रास्ता बनाया गया ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि मगर ताकतें इसे कई दहाइयों से प्लान करके पहले फिल्म्स और फिर टीवी मीडिया के जरिए लोगों की जैन साजी करती रही और अपनी फंडिंग के जरिए चलने वाली एन के जरिए लोगों को सड़कों पर निकाला और आखिरकार इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदर इसे कानूनी हैसियत दिलवा दी कि कोई भी शख्स सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पर कि मैं लड़का होकर लड़कियों जैसा महसूस करता हूँ या लड़की होकर लड़के जैसा महसूस करता हूँ तो अपना ऑपरेशन करवा कर अपने जिन्स को बदलवा सकता है ये पाकिस्तान में अब कानूनी तौर पर लीगल है लेकिन कई साल पहले खुद मगरबी मीडिया ने इसी तरह से जब अपनी कौम की जेन साजी करके हम जिस परस्ती के कानून को पास किया तो इसका नतीजा क्या निकला इसका अंदाज़ा हम डॉक्टर फिल के एक प्रोग्राम से अच्छी तरह से लगा सकते हैं यह प्रोग्राम नशर हुआ था आज से तकरीबन छः साल पहले और इस शो के अंदर एक ऐसे बाप को बुलाया गया जिसकी एक अकलौती औलाद है और यह बहुत बड़ा बिजनेस है इसने अपने इस अकलौते बेटे को दुनिया जान की आसाइशें देकर इसे बड़ा किया सारी जिंदगी कमा जो आसाइशा इकट्ठी की वो अपनी इस औलाद पर खर्च कर दी लेकिन यही लड़का एकदम से जवान होकर अचानक से ये महसूस करता है कि मैं जिस्मानी तौर पर तो लड़का हूं लेकिन मेरे अंदर एक लड़की की रूह है यानी अंदर से बायोलॉजिकली तौर पर मैं लड़की हूं और ये सब महसूस होने के बाद वो अपना ऑपरेशन करवाकर खुद को एक लड़की के अंदर बदल लेता है यहां पर हम ख्वाजा सराओं की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं बल्कि ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि बाकायदा एक जींस के तौर पर पैदा होते हैं और बाद में किसी तरह से अपने जींस को बदल दें अगर ख्वाजा सरा अपना ऑपरेशन करवा कर किसी एक जींस को अपना लें कि मेरे अंदर तो ये डोमिनेंट हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन दूसरा मामला बहुत खतरनाक है कि कोई मर्द या औरत ये कहे कि मैं अपना ऑपरेशन के जरिए जीन्स बदलवा कर अपनी जिस्मानी साख को, को बदलना चाहता हूँ यानी अल्लाह की तकलीक को बदलना यानी वही काम जिसका वादा शैतान ने अल्लाह से किया था कि मैं तेरे बंदों को बेकाऊंगा यहाँ तक कि वो तेरी तखलीक को बदलेंगे और जाहिर है कि इस बदलाव का नतीजा होगा हम जींस प्रस्ती यानी मर्द और और औरत जन्स में शादियां करेंगे और इंसानी तबाह होकर रह जाएगा और अल्लाह को यह इतना नापसंद है कि वो ऐसी कौम पर अपना अजाब जरूर नाजिल करता है फिर चाहे इसके दरमियान इसके नेक बंदे भी मौजूद क्यों ना हो जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरानी करीम के अंदर कौमे लूथ की कौमे लूत है जब इस लड़के ने ऐसा किया तो इसके बाप ने एक लम्बे अरसे तक इससे बात करना बिल्कुल बंद कर दी डॉक्टर ने जब इस लड़के को इसके बाप के सामने बुलाया तो अपनी इकलौती औलाद को इस हालत के अंदर देख कर लगता था जैसे इस बाप को अभी हार्ट अटैक हो जाएगा बहुत ही जज्बाती लम्हा था बाप अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसका कहना था कि यह मेरे लिए नाकाबले यकीन था जब पहली बार मैंने हॉलविन के मौके पर इसे लड़की के ड्रेस के अंदर देखकर समझा कि यह तो बस एक कॉस्ट्यूम है जिसका इसकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं ये तो जस्ट एक मजाक है पर ऐसा नहीं था ये एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था लेकिन मीडिया तो उलाद के दुख को आप पर समझ सकते हैं बात इस तरह के कई वाकत डॉक्टर फिल शो पर देखे जा चुके हैं कि कैसे बचपन से ही मीडिया और लिबरल सोसाइटी बच्चों की सोच पर असरअंदाज होकर इन्हें अपने और वजूद के बारे में कंफ्यूज कर देती है हालांकि यह एक जहनी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है और बिल्कुल यही केस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर इस कानून को पास तो करवा लिया गया मगर लोगों के जहनों ने इसे अभी तक कबूल नहीं किया और इसी मकसद के लिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने पहली हम जिन परस्ती पर मबनी फिल्म लॉन्च करने का फैसला किया है जिसका नाम है जॉय लैंड ताकि ड्रामों फिल्मों और न्यूज चैनल्स में ऐसे लोगों के लिए हमदर्दियां समेट सकें यह फिल्म नवंबर दो हजार बाईस के अंदर रिलीज होगी कोयर पाम अवार्ड एक ऐसा खास किस्म का अवार्ड है जो कि सिर्फ ऐसी फिल्म्स को दिया जाता है जो कि एल बी जे टी ग्रुप हम जिन परिजन पर बनी हुई फिल्म्स को प्रमोट करें या इसी तरह के मैसेज को आगे लेकर चलें इस अवार्ड के डायरेक्टर का कहना है कि यह पाकिस्तानी फिल्म जॉय लैंड इन तमाम चीजों पर मुश्तमिल जो कि हमारा एजेंडा है इसीलिए इसे अवार्ड दिया गया और इस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया कि हम इस एजेंडा में तुम्हारे साथ हैं तुम बस पैसा लगाओ हम तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी ड्रामे भी मुस्तकबिल के अंदर ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनके अंदर हम जिन प्रस्ती के किरदारों को ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा मशहूर जमाना ड्रामा सीरियल पर तो आप सभी को याद होगा और बबली बदमाश का ये करेक्टर बबली भी जिसे लड़की के जिसम के अंदर मौजूद एक लड़का बनाकर दिखाया गया है जो की माँ बाप को छोड़ अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहती है और इस मकसद के लिए अपना घर तक छोड़ देती है सही बात है इस तरह के कई किरदार आपको पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि घर घर के अंदर शर्म होया और हमारी मजहबी रिवायत का जनाजा निकाल कर रख देंगे नई नौजवान नस्ल इसे देख देख कर इसे अपना हक समझेगी और यूँ आहिस्ता आहिस्ता खानदानी सिस्टम और इस्लामी माशरे की जड़ें खोखली होती चली जाएंगी सही बात है भाई इसे रोकना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है लेकिन सवाल ये है की पैमरा इस सब पर खामोश क्यूँ है याद रखें कि यह क्यामत की निशानी है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी जमाने के अंदर फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे और अपना ईमान बचाना इस जमाने के अंदर इतना ही मुश्किल होगा जैसे हाथ पर जलता हुआ अंगारा रख लो भाई। और यकीन हम इसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें खुद को और अपने आने वाली नस्लों की तरबियत टीवी सोशल मीडिया फिल्म या ड्रामों के सपोर्ट नहीं करनी बल्कि खुद से इन फितनों से लड़ने वाला एक फौजी बनाकर इन फितनों से लड़ने के लिए मैदान जंग के अंदर उतारना होगा अल्लाह हमें समझने की और नेक अमल करने की तोफीक मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हाफिज़ Thank you for being here. I appreciate it. I'm hurt, bad, really bad. Why? I just want you to be okay with me being transgender. You dressed up. Like a girl. I thought it was funny at first. Now I surely don't. He's a very beautiful man. So you hear someone that is confused, mentally ill? Yes. Is the case. What could you imagine that experience would be like for that person? Pretty hard. Pretty hard. सो गाइस दिस वाज़ अ रिएक्शन ऑन हंसी टीवी एंड हंसी टीवी के जो ये uh, जो उन्होंने जो ये टॉपिक चुना था और ये सब जगह पे ये चीज़ हो रही है एंड uh, सही बात कह रहे हैं वो yeah. अगर सारी दुनिया एक टाइम पे अगर ऐसा करने लग गई तो मतलब दुनिया तो तबाह हो ही जानी है ऑफ़कोर्स एंड अल्लाह का आज़ाब भाई जैसे कोमे लूत पे हर जिसने भी ये गलती करी है जो भी ईमान वाले हैं वो भी पिसे जाएंगे एंड uh, देखो मतलब क्या क्या लॉ पास कर रही है मतलब सीरियसली मैन एंड मैं पहले इस चीज़ को समझता नहीं था बट मैंने इस्लाम को जाना तो समझ में आया बहुत सारी चीज़ें एंड इन्होंने बिल्कुल सही कहा बहुत सही चीज़ कही है इन्होंने एंड अगर एक इंसान जहनी तौर पे बीमार है उसको ऐसे प्रॉब्लम है ऐसा वो महसूस करता है तो उसका इलाज करना चाहिए उसको समझाना चाहिए उसको उसका इलाज करना चाहिए ऑफ़ कोर्स क्योंकि अगर सारी ऐसे करने लग गए तो क्या होगा एंड जो बचपन में जो पैदा ही वैसे होते हैं उनकी तो बात ही अलग है wow. जैसे उन्होंने बताया वो wow. तो अलग ही बंदे हैं भाई बट जो लोग सही पैदा होते हैं वो वही हैं भाई वो लड़का या लड़की भाई बहुत ज़्यादा ये डीप नॉलेज थी सच में एंड ये डीप मैसेज था लोगों के लिए आई होप बहुत सारे लोगों को समझ आया होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाई टेक केयर सी